नमस्ते दोस्तों, शिक्षा विद शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार लवण, या फिर कह सकते हैं रसायनों का दैनिक जीवन में उपयोग। तो रसायनों का जो दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे का लेके चलते हैं साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल की परिभाषा हमने क्या देखी थी। तो अम्ल की जो परिभाषा थी वो हमने देखी थी, जब किसी रसायन को यानी कि जब किसी यौगिक को जलीय विलयन में डाला जाता है, क्या करते हैं, किसी भी यौगिक को जब जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो वह अपने आयनों में जब विभक्त हो जाता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन अगर होते हैं तो वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब कोई यौगिक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गई अम्ल। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है कि इस मार्कर की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, मार्कर की लंबाई कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और उस स्केल से रूलर लेके मेजर करेंगे कि ये कितना लंबा है, यानी कि इसके लिए एक इकाई होती है। जैसे सपोज करते हैं ये अगर 15 सेंटीमीटर लंबा है तो हम स्केल से मेजर करेंगे कि ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। किसी चीज को गर्म या ठंडा चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर थर्मामीटर डाल देते हैं। ठीक है, थर्मामीटर जब डालते हैं, यहाँ पे नॉब होती है तो उसमें जो रीडिंग रहती है उससे हमें पता चल जाता है कि अगर कोई विलयन है हमारा वो कितना ठंडा या गर्म है। तो जब ठंडा या गर्म नापना है, किसी चीज का ताप नापना है तो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। जब किसी चीज की लंबाई नापनी है तो हम सेंटीमीटर, मीटर यानी कि रूलर का प्रयोग करते हैं। तो अब मुझे अगर पता लगाना है कि कोई चीज अम्लीय है या कोई चीज क्षारीय है तो एग्जैक्टली वो कितनी अम्लीय है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये प्रबल अम्ल भी हो सकते हैं, दुर्बल भी हो सकते हैं। तो अम्ल या क्षार कितने प्रबल है, कितने दुर्बल है, इसके लिए नापने के लिए क्या करें, तो इसके नापने के लिए भी कोई ना कोई इकाई होनी चाहिए। तो क्या हुआ था, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक स्केल दिया था। स्केल मतलब हमारे रूलर जैसा नहीं था, एक स्केल दिया था। उन्होंने बोला था कि इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अम्ल है वो कितने अम्लीय है या क्षार है, तो कितने क्षारीय है, तो उसको समझते हैं। उन्होंने बोला था कि कोई आप विलयन लीजिए, कोई बीकर लीजिए, उसके अंदर जल डालिए। ठीक है, जल डाला, तो जल डालने के बाद आपने इसमें डाले यौगिक, यौगिक यानी कि आप या तो अम्ल डालोगे या क्षार डालोगे। जब अम्ल या क्षार आपने इसके अंदर डाला तो ये हाइड्रोजन आयन में टूट गया। उन्होंने कहा यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन आयन है ना उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। उनको कैलकुलेट कर लिया तो मान लो ये मेरे आ गए हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इसका ले लो लॉग 10 बेस पे। ठीक है, अब हमने ले लिया इसका लॉग। लॉग लेने के बाद उन्होंने बोला कि इसको कर दो नेगेटिव, कर दिया। तो ये जो आंसर आएगा ना वो हमें बताएगा कि ये कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब आप जलीय विलयन में किसी अम्लीय क्षार को डालते हैं तो उसमें जितने हाइड्रोजन आएंगे उन हाइड्रोजनों का लॉग लेकर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो उससे अम्लीयता क्षारीयता पता चलेगी। अब हम बार बार ये सारा सूत्र तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये सूत्र लिखने में तकलीफ होगी बार बार, तो इसी को हम लिख देते हैं pH। ठीक है, H मतलब हो गया आपको हाइड्रोजन को मेजर करने वाला, और P का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। P का मतलब होता है प्रोटॉन्स कहते हैं इसे, लेकिन हम कह सकते हैं कि P मतलब काइंड ऑफ प्रोटॉन्स होता है वैसे तो, लेकिन P मतलब पावर भी बोल सकते हैं हम लोग, कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, इतनी हाइड्रोजन की पावर है। यानी कि ये हमारा एक प्रकार से सूत्र बन गया जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज हमारी अम्लीय है या क्षारीय है। अब देखिए इन्होंने फिर बोला कि अगर मान लो इसको मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करते हैं ना तो इसका आंसर हमेशा 0 से लेके 14 तक ही आ सकता है। इसके 14 से ज्यादा और 0 से कम इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0 से लेके 14 तक, लिख दिया। सेंटर में आप 7 लिख दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अगर हम जब ये सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 0 से लेके 7 के बीच में आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये चीज अम्लीय है।
ठीक है, और अगर हमारा वही आंसर इसको सॉल्व करने के बाद 7 से लेके 14 के बीच में आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये चीज हमारी कैसी हो गई, क्षारीय हो गई। ठीक है, तो ये हमारी अम्लता और क्षारीयता का मापन होता है। आप कहेंगे कि भाई 7 आ गई तो क्या करोगे, तो उन्होंने कहा उदासीन। उदासीन का मतलब हो गया कि ना वो अम्लीय होगी और ना वो क्षारीय होगी। तो ये तो होता है हमारा अम्ल या क्षारीयता का मापन। अब देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा था पीएच वो क्या है। पीएच हमने बता दिया था अम्लीयता क्षारीयता को मापने का एक स्केल है, तो इसे स्मॉल पी कैपिटल एच से लिखा जाता है। अब इसके क्या उपयोग है, जो हमने स्केल बनाई थी अभी 7 वाली 0 से लेके 14 तक की, जहाँ पे 7 था, इसके क्या उपयोग है। ठीक है, तो इसके दैनिक जीवन में, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे अपने दैनिक जीवन की ओर लेके आएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा वही है कि रसायन हमारे जीवन में किस तरीके से आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम पता करते हैं। अब इसका ना क्या यूजेस हैं वो देखते हैं। तो इसका पहला उपयोग है कि जैसे अब होता क्या है कि सपोज करते हैं आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद दांतों में बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, उस जगह में हमारा फंस जाता है खाने के कण। ठीक है, आपने पानी पी लिया लेकिन फिर भी छोटे छोटे कण उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ जब सड़ता है, कोई भी पदार्थ जब सड़ता है तो किस में बदल जाता है, वो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ होगा अगर वो सड़ेगा तो अम्ल में बदल जाएगा। तो सिमिलरली मैंने खाना खाया, दांतों में फंसे रह गए खाने के कण। अब जब वो खाने के कण उसमें फंसे रह जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मैंने छोड़ दिया मुंह में अंदर रखे हुए हैं वो, अब थोड़ी देर बाद वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पाचन उनका होना शुरू हो जाता है, यानी कि आप सड़ना कह सकते हो। वो सड़ना शुरू हो गए, वो किस में बदलेंगे, अम्ल में बदलेंगे। जब वो अम्ल में बदलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो दांतों के ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है, जैसे कि आपका दांत है तो दांत के ऊपर ना एक परत होती है जिसे इनेमल कहते हैं। अब क्या होगा कि जब वो अम्ल बनेगा, जैसे ये दो दांत हैं और इन दांतों के ऊपर एक परत लगी हुई है और यह खाने फंस गया, जब यहाँ खाना फंसा तो वो सड़ा और सड़ के वो अम्ल में बदला, अम्ल में बदलने की वजह से वो इस परत को, जो ऊपरी परत है उसको वो नष्ट कर देगा। जब वो ऊपरी परत को नष्ट कर देगा तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगा, यानी हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे उसका पीएच का। तो पीएच अगर 7 से कम होगी तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगी। अब हमें क्या करना है, उदासीन। हमने कल एक क्रिया पढ़ी थी, याद करिए कि जो अम्ल है और जो क्षार है, जब दोनों मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और ये मिलके लवण बना देते हैं और प्लस जल बना देते हैं। लवण हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, अम्ल या क्षार हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो हमारे जो दांतों के बीच में खाना फंसा जो कि अम्ल में बदल गया, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट। तो जो हमारा खाना था वो किस में बदला, अम्ल में। तो टूथपेस्ट हम यूज करेंगे कौन सा, क्षारीय। जब क्षारीय टूथपेस्ट हम यूज करेंगे तो ये क्षारीय टूथपेस्ट हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए खाने के साथ में खाने के साथ नहीं करेगा। एक्चुअली क्या होगा, आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रश होता है वो तो इसमें से खाने को बाहर निकालता है, और जो टूथपेस्ट होता है उस खाने के वजह से जो अम्ल बन गया है यहाँ पे, उस अम्ल को साफ कर देता है। यानी हम दो काम कर रहे हैं, ब्रश की मदद से उस खाने को वहां से हटा रहे हैं और वो अम्ल जो बना है उस खाने से उसको इस क्षार की मदद से खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अम्लीयता भी खत्म हो गई और वो खाना भी वहां से हट गया और हमारे दांत सुरक्षित हो गए। इसीलिए आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट खाना खाने के बाद एक बार ब्रश कर लीजिए, खाली ब्रश कर लीजिए बिना टूथपेस्ट के। उससे क्या होगा, जो खाने के बीच में जो कण फंसे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो जब वो होंगे ही नहीं तो सड़ेगा क्या, कुछ ही नहीं। दूसरी चीज कि रात को जब सोते हैं तब ब्रश करना सुबह उठ के ब्रश करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुबह जब आप उठते हो तो आपके मुंह में कुछ ज्यादा होता नहीं है, हम रात के खाने का कचरा सुबह साफ कर रहे होते हैं जो कि रात भर अम्ल में बदल चुका है और ऑलरेडी हमारे दांतों को खराब कर चुका है। तो बेहतर है कि हम रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो खाना रात में ही वहां से हटा दिया जाएगा और वो अम्लीयता नहीं होगी आपके मुंह में, तो दांत खराब नहीं होंगे। तो ये था हमारा पहला उपयोग।
दूसरा उपयोग वैसे हम देख चुके हैं, फिर भी फटाफट देख लीजिए कि जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पे हमारा स्टमक होता है, उस स्टमक यानी कि पेट के अंदर आमाशय के अंदर HCL होता है, ठीक है ना। तो ये HCL मतलब हो गया था अम्ल, ठीक है। अब तो आपको पता चलेगा, मैंने कहा था जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे और वापस पुराने चैप्टर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा अम्ल, ये अम्ल है और इसको नॉर्मली तो ये किस लिए है, एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए, ठीक है। जब ये एंजाइम सक्रिय होते हैं तो खाने का पाचन हो जाता है, लेकिन मान लो किसी वजह से ये अम्ल की मात्रा बढ़ गई, हमने कुछ ऐसा खाना खाया जिसकी वजह से अम्ल की मात्रा बढ़ गई, जबकि मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। जब ये मात्रा बढ़ जाती है HCL की मात्रा, तो ये हमारे पेट में एसिडिटी करने लगती है और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MGOH का होल ट्वाइस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखने के लिए आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। तो MGOH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ मात्रा तक HCL को कम कर देता है, यानी कि बैलेंस कर देता है और हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पहला उपयोग पढ़ा हमने दंत क्षय में, दूसरा पढ़ा जो पेट के अंदर एसिडिटी यानी कि दवा एंटासिड के बारे में। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चींटी है, ठीक है, और चींटी ने आपको बाइट कर लिया, काट लिया। तो चींटी जो होती है, मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर शुरू किया था कि चींटी के अंदर होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल है यानी कि जब चींटी काटेगी तो हमारे बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर देगी, क्या चीज चली जाएगी, अम्ल चला जाएगा, ठीक है। वो अम्ल हमारे जब शरीर में पहुंचेगा तो हमें जलन होगी, इचिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है कि वो अम्ल है तो उसे निष्क्रिय करने के लिए हम वहां पे अप्लाई करेंगे क्षार, ठीक है। हम वहाँ पे क्षार लगाएंगे, तो क्षार में क्या लगा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार होता है खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। तो उसका आप उसे जल में घोलिए और उसको थोड़ा सा लगा लीजिए, तो उससे आपका क्या होगा कि उस क्षार ने जो आपने लगाया है और जो चींटी की वजह से अम्ल आया है, वो अम्ल क्षार एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे और हमारी जलन बंद हो जाएगी। या फिर आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइन, इसका हम जब अप्लाई करेंगे तो ये भी क्षार होता है, ये क्षार भी उस जो चींटी का इफेक्ट है उसको वो खत्म कर देगा। तो यानी कि अगर हमें तीसरा उपयोग हमने इसका पढ़ा है, अगर कोई कीट काट लेता है तो फिर कीट का जो काटा हुआ है उसके इलाज में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग एक हमने देखा था, मिट्टी, जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए अम्लीय क्यों होगी, आपने फसल काटी, फसल काटने के बाद जो नीचे के डंठल रह जाते हैं, जो भी आप कहते हैं जो रह जाते हैं, उसको आप खेतों में छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ सड़ेगी तो अम्ल में बदलेगी, तो वो जो छोड़े हुए आपके स्टेम हैं छोटे छोटे, वो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देते हैं और वो खेतों में अम्लीयता में बदल जाते हैं। इसके वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि क्षारीय क्यों होती है, क्षारीय अपने आप हो सकती है, उसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी क्षारीय हो सकती है। तो जब मिट्टी क्षारीय हो जाएगी तो अम्लीय पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं हम वहाँ पे, जैसे क्षारीय हो गई, आप अब प्लांट्स को काट के वहाँ छोड़ दीजिए तो प्लांट सड़ेंगे, वो अम्ल बन जाएंगे, वो एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे। या फिर अम्लीय हो गई, ठीक है, अम्लीय हो गई तो फिर आप उसमें उर्वरक का इस्तेमाल कर लीजिए, तो उर्वरक क्षारीय होते हैं तो क्षारीय और अम्लीयता मिलकर वापस से बैलेंस हो गया। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा होता है, एक लास्ट और उपयोग लिखा हुआ है आपकी बुक में, वो ये है कि अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, हम बहुत सारा पोल्यूशन करते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन कैसे करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं उनका धुआं निकलता है, उद्योग धंधे चलाते हैं उनके वजह से धुआं निकलता है, और उसके वजह से वायुमंडल में हमारे में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड खुद अम्लीय होती है, नंबर एक।
नंबर दो, नाइट्रोजन के यौगिक निकलते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, तो वो सारे अम्लीय होते हैं, वो सारे अम्लीय नहीं होते हैं, एक्चुअली वो गैसेस होती हैं, और जब बारिश के साथ, बारिश के पानी के साथ जब वो मिलते हैं तो वो अम्ल बन जाते हैं। जैसे कि व्हीकल से जो आपकी गैसेज निकली, वो गैसेज तो अम्लीय नहीं है, लेकिन जब ये पानी के कॉन्टेक्ट में आएंगी, वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो क्या होगा, ये अम्लीय बन जाएगा, ये पानी ना अम्लीय हो जाएगा। तो ये पानी जब अम्लीय हो जाएगा, तो जब ये सतह पर आएगा, ये अम्लीय पानी, तो ये सतह पे जो मिट्टी है, उस मिट्टी को और साथ में कई सारी चीजों को ये खराब कर देगा। तो इसके वजह से भी मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और उस मिट्टी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कई सारे उपयोग थे कि जहाँ पर हम अम्ल और क्षार के लगातार उपयोग करके और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके कई सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पीएच का महत्व। अब एक क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन ही समझ लीजिए, कि मैंने आपको ये बताया था कि 0 से लेके 7 तक तो होते हैं आपके अम्ल, और 7 से लेके 14 तक आपके होते हैं क्षार, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि रक्त की पीएच कितनी होती है। देखिए, अब तो आपने पीएच पढ़ लिया, तो आप मुझे बताएं कि रक्त की पीएच कितनी होती है। दूसरा, सलाइवा, सलाइवा यानी कि होता है थूक, इसकी पीएच कितनी होती है, ये आप मुझे बताएंगे। तीसरा, आपने पढ़ा था HCl किसके अंदर, स्टमक के अंदर, तो आप मुझे बताएंगे कि इस स्टमक के अंदर, यानी कि क्या बोलते हैं, आमाशय, आमाशय के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसकी पीएच कितनी होती है। तो आप मुझे लाइन से ये तीनों पीएच लिख के कमेंट करेंगे। अब आप इसके लिए आप चाहें तो पुराने वीडियोस देखें या अपनी बुक देखें, आप बताएंगे मुझे कि रक्त की पीएच, थूक यानी सलाइवा की पीएच, और आमाशय के अंदर जो HCl पाया जाता है उसकी पीएच कितनी होती है। ये तीनों हमने पहले देखे हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि पीएच को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या क्या चीज़ हमें देनी है। पर चूंकि ये वीडियोस है, तो जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वीडियोस कैसे बन रहे हैं। तो बताते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू।